हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का टॉपिक है रक्षाबंधन मनाने का क्या महत्व है, आखिर हम रक्षाबंधन का पर्व क्यों मनाते हैं। आज के इस टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं, तो प्रिय साथियों बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। रक्षाबंधन मनाने का प्रथा कहाँ से हुई? महाभारत काल की बात है। एक बार भगवान श्री कृष्ण की उंगली कट गई थी। पौराणिक कथा के अनुसार शिशुपाल का वध करते समय सुदर्शन चक्र से श्री कृष्ण की अंगुली घायल हो गई थी, उससे खून बहने लगा था, लहू बहने लगा था। द्रौपदी ने अपने आंचल की, अपनी साड़ी की छोर फाड़कर उस स्थान पर बांध दिया था और द्रौपदी को संकट में उसकी रक्षा करने का वचन दिया था। विदर्भ के राजकुमार अपनी बहन रुक्मणी का विवाह शिशुपाल से करवाना चाहता था। विवाह से पहले रुक्मणी ने श्री कृष्ण जी के साथ भाग जाने का निर्णय लिया, क्योंकि रुक्मणी श्री कृष्ण से शादी करना चाहती थी। इसलिए शिशुपाल श्री कृष्ण जी से नफरत करता था। शिशुपाल श्री कृष्ण की बुआ का बेटा था। श्री कृष्ण ने शिशुपाल का 100 गालियों का अपराध माफ किया था, लेकिन 101 गाली बोलने पर उन्होंने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया था। उस समय सुदर्शन चक्र से भगवान श्री कृष्ण के उंगली में चोट लग गई थी, उंगली घायल हो गई थी और खून निकल आया था। द्रौपदी ने अपने आंचल की साड़ी फाड़कर उस उंगली पर बांधी थी। तब श्री कृष्ण जी ने उनको वचन दिया था कि वह आप किसी भी संकट में होंगी और मुझे याद करेंगी तो मैं आपकी सहायता करने के लिए जरूर आऊंगा। इसका मैं आपको ब्याज सहित सूद सहित लौटाऊंगा। महाभारत काल में जब कौरवों ने भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण किया, दुर्योधन के कहने पर दुशासन ने द्रौपदी को भरी सभा में घसीटते हुए लाया और उसका चीरहरण निर्वस्त्र करना चाहा। तब द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को मन में याद किया, पुकारा, उनका ध्यान करते हुए अपनी सहायता के लिए बुलाया। तब श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी की लाज रखी,
और उन्हें अपने हाथ से साड़ी दी। शिशुपाल द्रौपदी की साड़ी खींचते खींचते थक गया, आखिर जमीन पर गिर गया, लेकिन साड़ी खत्म नहीं हुई। श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी की लाज रखी, द्रौपदी की लज्जा भंग नहीं होने दी। तो ये था रक्षाबंधन पर किसी के हाथ में धागा बांधने का एक दिया हुआ वचन, जो श्री कृष्ण भगवान ने द्रौपदी की लाज बचाकर पूरा किया। एक दूसरा उद्देश्य भी है जो रक्षाबंधन के रूप में मनाया जाता है, वो मैं आपको बताता हूँ। एक पौराणिक कथा यह भी है, राजा बलि को छलने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु को बावना अवतार लेना पड़ा था। राजा बलि यज्ञ अनुष्ठान के बल पर देवलोक पर प्रभुत्व पाना चाहते थे। देवेंद्र के आग्रह पर उन्होंने बावन का रूप धारण किया। उन्होंने राजा बलि से तीन पग भूमि दान स्वरूप मांगी। राजा बलि उसे देने के लिए तत्पर हो गए। श्री हरि ने एक पग से पूरी धरती और दूसरे पग से पूरे आकाश को नाप लिया। तीसरा पग अभिशेष था। यह देखकर राजा बलि ने उनके सामने अपना शीश झुकाकर कहा, श्री हरि ने उनके सिर पर हाथ रखकर रसातल भेज दिया। बामन रूप धारी श्री विष्णु ने उनसे बदले में वर मांगने को कहा। बाघ पटुता का परिचय देते हुए राजा बलि ने कहा कि मैं जब भी आंख खोलूं तो आपका दर्शन मैं पाऊं। वर देने के बाद श्री हरि को राजा बलि के दरबार में पहरेदारी करनी पड़ी। इधर बहुत दिनों से श्री हरि का विष्णु लोक में आना संभव न हो सका। माता लक्ष्मी जी चिंता में पड़ गईं। उन्होंने देवऋषि नारद से इस संदर्भ में मंत्रणा की। नारद जी ने उन्हें सुझाव दिया कि आप सुंदर रमणी रूप धारण करके राजा बलि के दरबार में जाइए और उन्हें रक्षा सूत्र बांधकर भाई बना लीजिए। माता लक्ष्मी ने वैसा ही किया। जब राजा बलि ने उन्हें कुछ मांगने को कहा, उन्होंने श्री हरि को मुक्त करने का वर मांग लिया। उस दिन श्रावण पूर्णिमा की तिथि थी और उक्त तिथि से रक्षाबंधन मनाया जाने लगा। तो मेरे प्रिय साथियों, रक्षाबंधन केवल भाई और बहनों के बीच ही प्रेम का त्यौहार नहीं है। रक्षाबंधन एक माँ अपने बेटे को राखी बांध सकती है, एक पत्नी अपने पति को राखी बांध सकती है। रक्षाबंधन प्यार, प्रेम, देखभाल और सुरक्षा का मजबूत अटूट रिश्ता है। एक वचन देना है रक्षाबंधन को, भाई बहन का त्योहार ही नहीं, यह धागा अपने प्रियजनों को भी
भी बांध सकते हैं। गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को धागा बांध सकती है। एक माँ अपने बेटे को धागा बांध सकती है। एक पत्नी अपने पति को धागा बांधकर रक्षा का वचन ले सकती है। राखी का एक छोटा धागा बांधने का अर्थ है सुरक्षा का बंधन, उसकी रक्षा करना विपत्ति आने पर। यह प्रेम और सुरक्षा की एक डोरी है। रक्षाबंधन जीवन की मान मर्यादा और भाई बहन के निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक भी है। बहन की सुरक्षा के लिए प्राणों का बलिदान करना पड़े तो भी पीछे नहीं हटने का प्रण है। रक्षाबंधन एक अपना वचन निभाने का भी प्रण है। कोई भी किसी को भी राखी बांध सकता है। ईश्वर को राखी घर का पुरुष और महिला दोनों बांध सकते हैं। भक्त अपने भगवान को रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। रक्षा सूत्र बांधना ईश्वर से उसकी सुरक्षा और रक्षा की कामना करना है। देवराज इंद्र की पत्नी सची ने पति को राखी बांधी थी। जब पति देवराज इंद्र को वृत्रासुर से युद्ध करने के लिए जाना था, वृत्रासुर अजय था। उसने इंद्रराज को पहले युद्ध में पराजित कर दिया था। जब दूसरी बार देवराज इंद्र युद्ध के लिए जाने को तैयार हुए तो युद्ध पर विदा होने से पहले देवराज इंद्र की पत्नी सची ने इंद्र को रक्षा सूत्र उनकी कलाई पर बांध दिया था और देवराज इंद्र इस दूसरे युद्ध में विजयी हुई थी। जिनके भाई नहीं हैं वे भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री गणेश को राखी बांधते हैं। हनुमान जी को राखी बांधते हैं। हनुमान जी सबसे बड़े रक्षक हैं और सर्वोच्च आशीर्वाद और सुरक्षा की कामना करते हैं। राखी बांधते समय पूर्व दिशा में मुंह करके भाई के सिर पर कपड़ा रखकर तिलक करना चाहिए। तो रक्षाबंधन एक ऐसा त्यौहार है, यह केवल एक भाई बहन का ही त्यौहार नहीं है। यह कोई भी किसी को भी रक्षा धागा बांधकर एक वचन ले सकता है। रक्षाबंधन यह एक प्रिय हिंदू त्यौहार है जो भाई बहनों के बीच के अनूठे बंधन का सम्मान करता है। भाई बहन के बीच प्रेम का अटूट संबंध है। रक्षाबंधन दो संस्कृत शब्दों से लिया गया है, रक्षा जिसका अर्थ है सुरक्षा और बंधन जिसका अर्थ है बांधना। इसलिए यह त्योहार सुरक्षा की गांठ या बंधन का प्रतीक है। भाई बहन के बीच प्यार, सुरक्षा और सम्मान का मजबूत और अटूट रिश्ते का त्योहार है। बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई अपनी बहनों की रक्षा करने का वचन देते हैं। प्रेम और वचन देना, कर्तव्य वचन को निभाना का यह उत्सव सिर्फ भाई बहन रक्त संबंधों तक ही सीमित नहीं है।
यदि कोई एक पवित्र धागा हाथ में बांधता है तो वह जीवन भर सुरक्षा अर्थात उसकी रक्षा करने के लिए वचनबद्ध हो जाता है। समुदाय के भीतर भी सुरक्षा और प्रेम का बंधन का यह प्रतीक है। तो प्रिय साथियों, आज की वीडियो यहीं तक। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। कल तक के लिए नमस्कार दोस्तों। तो ये था रक्षाबंधन। रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, इसका क्या महत्व है, इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप यही समझाया गया है। तो प्रिय साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार।